Hello everyone, today we will discuss the exercise of chapter 1 class 9 science NCERT matter in our surroundings. Last Sunday we have discussed the in-text questions of chapter 1 and in continuation of it now we will complete our exercise. So without wasting any time let's begin. Our first question is convert the following temperatures to the Celsius scale. तो हमें केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है. ये हमने इंटेक्स क्वेश्चंस में भी देखा था. वी नो कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 केल्विन, है ना. तो 0 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन है? 273. अब केल्विन को अगर हमें सेल्सियस में चेंज करना होगा तो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 273. ठीक है, तो ये केल्विन है और ये भी केल्विन है तो माइनस हो सकता है और इसको माइनस करेंगे तो 20 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा. नाउ 470 केल्विन को चेंज करना है, अगेन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 273 केल्विन और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 197 डिग्री सेल्सियस. नाउ क्वेश्चन नंबर टू इज कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द केल्विन स्केल. अब हमें केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है तो सिंपल, अभी हमने सब्ट्रैक्ट किया था, अब ये सेल्सियस में दिया है, सेल्सियस को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे. तो 25 प्लस 273 कितना हो गया? 298 केल्विन. और 373 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना है? 273 को ऐड करना है. सिर्फ ये 273 नंबर आपको याद रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन है? 273 केल्विन है. ठीक है, तो 646 केल्विन आ गया. नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस. नैप्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड. आपने देखा होगा मम्मा सर्दियों में जो ब्लैंकेट्स हम ओढ़ते हैं उनको जब पैक करके रखते हैं वापस तो नैप्थलीन बॉल्स डाल के रखते हैं या वूलन कपड़ों में डाल के रखते हैं बॉल्स, और जब हम उन्हें वापस एक सीजन के बाद निकालते हैं तो वो बॉल्स वहाँ नहीं होती या फिर बहुत छोटे साइज़ की होती है, गायब हो जाती है. वाई इज़ इट सो? वो क्यों गायब हो जाते हैं? क्योंकि वो वेपराइज हो जाती हैं. ठीक है, नैप्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड बिकॉज नैप्थलीन बॉल्स सबलाइम. वो सबलिमेशन अंडर दे अंडरगो सबलिमेशन सबलाइम एंड डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर स्टेट विदाउट लीविंग एनी सॉलिड. तो सॉलिड टू गैशियस स्टेट में वो चेंज करते हैं विदाउट गोइंग इनटू द इंटरमीडिएट स्टेज दैट इज लिक्विड. लिक्विड में ट्रांसफर नहीं होती हैं वो. तो ये देखो नैप्थलीन बॉल्स है, ये वेपराइज हो जाएंगी. ठीक है, तो सबलिमेशन इज द मेन पॉइंट में याद रखना है, दे सबलाइम. नाउ वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सेटिंग सेवरल मीटर्स अवे. हमें परफ्यूम की स्मेल बहुत दूर से आ जाती है. हमने ऐसा ही क्वेश्चन डिस्कवर किया था कि हॉट सिजलिंग फूड जो गर्म गर्म खाना है उसकी स्मेल दूर से आ जाएगी और ठंडे खाने की नहीं आएगी. वाई इज इट सो? क्योंकि जो परफ्यूम के जो वेपर्स हैं जो पार्टिकल्स हैं एयर में वो मिक्स होके ट्रैवल करते हैं, दे मिक्स इन द एयर, तो वो हमारी नोज तक आ जाते हैं, है ना. वी कैन गेट दिस स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे बिकॉज परफ्यूम कंटेन वॉलेटाइल सॉल्वेंट. उसके अंदर वॉलेटाइल सॉल्वेंट होता है जो कि वेपराइज होके डिफ्यूज होगा, जो फास्टर डिफ्यूज हो जाएगा एयर में और हमारी नोज तक पहुँच जाएगा. ठीक है, दे कंटेन वॉलेटाइल सॉल्वेंट एंड डिफ्यूज फास्टर एंड कैन रीच पीपल सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे. जो बहुत दूर लोग बैठे हैं उनकी नोज तक भी पहुँचेगा, दे कैन स्मेल इट. नाउ नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग सब्सटांसेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. इट्स वेरी सिंपल, हमें इनको अरेंज करना है कि किसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है किसकी कम है. तो तीन पार्टिकल्स हमें दिए हैं, वाटर शुगर ऑक्सीजन. वी नो कि सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होती है, सॉलिड में यहाँ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगी, देन लिक्विड में होती है एंड देन गैस में होती है. तो एग्जाम्पल क्या आएगा हमारा? सबसे कम ऑक्सीजन के अंदर, उससे थोड़ी ज़्यादा वाटर के अंदर और फिर सबसे ज़्यादा शुगर में. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ऑक्सीजन, देन वाटर एंड देन शुगर. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस. 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस स्टेट में प्रेजेंट होता है? आप खुद से इमेजिन करो. गर्मियों में हम एसी चलाते हैं या ठंड में हमारा जो बॉडी रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस हमारे रूम टेम्परेचर नॉर्मली हम रखते हैं. तो उस पे जो पानी हमारी बकेट में है, आरओ में है या जहाँ भी आप पानी रखते हो, तो वो कौन से स्टेट में होता है? वो लिक्विड स्टेट में होता है. तो सिंपल है, 25 डिग्री सेल्सियस में वो क्या होगा? लिक्विड स्टेट में होगा. 0 डिग्री सेल्सियस, जीरो कब होता है? जहाँ
बर्फ होती है ना, वी नो, वी ऑल नो दैट कि 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं हम, न्यूज़ में सुनते हैं कि 0 डिग्री हो गया है, सब कुछ फ्रीज हो गया है, हमारे फ्रीजर का टेम्परेचर होता है, या फिर जो हिल स्टेशन हैं वहाँ पे, तो सॉलिड और लिक्विड, या तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट और होता है कि सेमी लिक्विड, वैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा सॉलिड ही रहेगा। और 100 डिग्री सेल्सियस में हम क्या बोलेंगे, लिक्विड और गैस, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे इट स्टार्ट वेपराइजिंग, इवेपोरेट होना वो शुरू हो जाता है, ठीक है, भाप निकलनी शुरू हो जाती है। तो लिक्विड भी बचा तो है ना, पर वो गर्म है, वो भाप में पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ है। सो 100 डिग्री सेल्सियस इज लिक्विड एंड गैस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज गिव टू रीजंस टू जस्टिफाई, हमें 2 रीजंस देने हैं व्हाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में क्यों प्रेजेंट होता है? तो क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, जहाँ पे वो फ्रीज होता है जिस पॉइंट पे, वो क्या है, वो 0 डिग्री सेल्सियस है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, किस स्टेज पर वो बॉयल होना स्टार्ट करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो रूम टेम्परेचर हमें पता है कितना होता है, 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, तो इस टेम्परेचर में वो क्या रहेगा, लिक्विड की स्टेट में रहेगा। सो आवर आंसर इज वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड बिकॉज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट इज एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो आयरन अलमीरा है वो सॉलिड क्यों है हमारी, क्योंकि जो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा होता है, वो स्टेज पे मेल्ट नहीं होती है, तो वो सॉलिड स्टेट में रहती है। एंड आयरन इज़ अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज़ हायर देन रूम टेम्परेचर। सारा खेल मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि वो टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू मेल्ट, कि वो उस पर स्टेज पे मेल्ट होना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, व्हेन अ सॉलिड स्टार्ट्स टू मेल्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। जो हमारी आइस है वो 273 केल्विन पे ज़्यादा ठंडा क्यों कर रही है एज़ कम्पेयर टू वाटर। दोनों का टेम्परेचर सेम डिग्री पे है, आइस का भी वाटर का भी, दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पर है, पर आइस ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट दे रही है, वाई इज इट सो। जो हमारी आइस है एट 273 केल्विन विल एब्जॉर्ब हीट एनर्जी और लेटेंट हीट फ्रॉम द मीडियम टू ओवरकम द फ्यूजन टू बिकम वाटर। आइस क्या करेगी, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, जो हीट उस मतलब जहाँ हमने आइस रखी है, किसी भी मान लो आपने मिल्क में आइस डाली, ठीक है, तो अब वो उस मिल्क से क्या करेगी, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, जो लेटेंट हीट है वो बढ़ेगी उसकी, और फ्यूजन वो वाटर में पिघलना शुरू हो जाएगी, वाटर बनना चाहेगी, सिंस कि हाई टू लो मीडियम में हमारा ट्रांसफर होता है, तो आइस लोअर टेम्परेचर पे है और जो मीडियम में हमने डाला वो हाईर टेम्परेचर पे है, तो जो हीट एनर्जी है वो मिल्क से हीट एनर्जी लेगी, ठीक है। नाउ हेंस द कूलिंग इफेक्ट ऑफ आइस इज मोर देन द वाटर एट सेम टेम्परेचर बिकॉज वाटर डज नॉट एब्जॉर्ब दिस एक्स्ट्रा हीट फ्रॉम द मीडियम। जो वाटर है इट कैन नॉट एब्जॉर्ब दिस एक्स्ट्रा हीट फ्रॉम द मीडियम। किसी मीडियम में अगर हमने वाटर डाला है तो वाटर की वाटर मिल्क में जल्दी मिक्स हो जाएगा, तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो उसको कूल नहीं करेगा, ठीक है। पर जो आइस है वो हमारी कूलिंग करती है, अगर हम आइस को वाटर में डालेंगे तो आइस लेटेंट हीट करेगी, एब्जॉर्ब करेगी और पानी को ठंडा करती है। डालते ना हम एक गिलास वाटर, मान लो आपने एक नॉर्मल गिलास ऑफ वाटर लिया, उसके अंदर 2 आइस क्यूब्स डाली, हमारा पानी ठंडा हो जाएगा। पर अगर हमने एक ठंडा गिलास पानी लिया और एक नॉर्मल गिलास पानी लिया, और वही ठंडा मतलब 0 डिग्री सेल्सियस वाला ही पानी लिया, और अगर हमने उसमें उसको नॉर्मल वाले में डाला, तो उसका जो कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग होगी पर जो एज़ कम्पेयर टू आइस वो थोड़ी कम होगी, क्यों, क्योंकि वो उसमें मिक्स हो गया, उसने उसकी हीट को एब्जॉर्ब नहीं किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। किससे ज़्यादा जलन होगी, किससे ज़्यादा जलेगा हमारा, सीवियर बर्न कौन से उससे होगा, बॉइल गर्म पानी से या फिर स्टीम से। तो स्टीम की एनर्जी ज़्यादा होती है तो स्टीम से होगा। स्टीम क्या है, हमारी भाप है, ठीक है, वेपर्स है। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस विल प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न्स एज एक्स्ट्रा हीट इज हिडन इन इट।
जो स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पे वो ज़्यादा सीवियर बर्न्स प्रोड्यूस करेगी. वाई? क्योंकि उसके अंदर एक्स्ट्रा हीट छुपी है. इट हैज़ एब्जॉर्ब्ड मोर हीट, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट. लेटेंट मतलब उसके अंदर है वो. वेयर इज द बॉइलिंग वाटर डज नॉट हैव दिस हिडन हीट. और बॉइलिंग वाटर के पास कोई लेटेंट हीट नहीं होती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज नेम ए बी सी डी ई एंड एफ इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन दिस स्टेट. ये एक बुक का ही आपका डायग्राम है एनसीईआरटी का, और हमें इनकी लेबलिंग करनी है. सो वट इज ए? सॉलिड टू लिक्विड में जब कन्वर्ट होता है तो क्या प्रोसेस होता है? लिक्विफिकेशन या फिर मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग है या फिर फ्यूजन हो रहा है. ठीक है, सो सॉलिड से लिक्विड में अगर कन्वर्ट हो रहा है, वी विल से कि मेल्टिंग हो रही है, लिक्विफिकेशन हो रहा है. और लिक्विड से गैस जब कन्वर्ट होता है तो क्या होता है? लिक्विड से गैस, गैस में वेपराइजेशन होता है. सॉलिड से लिक्विड में क्या है कि लिक्विड बन रहा है, इसलिए लिक्विफिकेशन. लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो वेपराइजेशन या फिर इवेपोरेशन. देन सी, लिक्विड टू सॉलिड है, सॉलिड बन रहा है तो सॉलिडिफिकेशन. आपको प्रोडक्ट देखना है कि क्या बन रहा है. सॉलिडिफिकेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? कंडेंसेशन. जैसे कि वेपर्स से हमारे क्लाउड्स बनते हैं तो हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन हो रहा है. आई विल से कि जो हमारा सी पॉइंट है, इट शुड बी, आई एम सॉरी, यस, इट शुड बी सी एंड दिस शुड बी डी. तो ये हमारा सी है, कंडेंसेशन, सॉरी, ये हमारा डी है. जब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो कंडेंस हो रहा है ना, कंडेंसेशन और इवेपोरेशन. कि जब हमारे एयर में से रेन आती है तब हम कहते हैं ना कंडेंसेशन प्रोसेस हुआ है. तो गैस से अगर लिक्विड आ रहा है तो कंडेंसेशन होगा. एंड सी क्या होगा? लिक्विड से जब सॉलिड बन रहा है तो सॉलिडिफिकेशन होगा. सॉलिड आ रहा है ना तो सॉलिडिफिकेशन होगा. क्या होएगा? तो ये सी का आंसर है. ठीक है, सी में सॉलिडिफिकेशन. वी विल से व्हाट इज गोइंग ऑन हेयर, दिस इज सॉलिडिफिकेशन एंड दिस इज कंडेंसेशन. ठीक है, दिस इज द कंडेंसेशन प्रोसेस. एंड ई क्या है हमारा? जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनता है, हमने देखा था इसको सब्लिमेशन बोलते हैं. ठीक है, एफ, आई कांट सी एफ. तो ई एंड एफ हमारा है सब्लिमेशन है. जब गैस से सॉलिड बन रहा है या फिर सॉलिड से गैस बन रहा है, बोथ आर सब्लिमेशन. With this, our exercise is complete. I hope all the questions are clear to you. If you have any doubt or if you want to improve me any answer, please write it in the comment box. Please like and subscribe my channel for more updates. Thank you.